बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों ने गाने सुने, भजन सुनाया, बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग झूम रहे थे, संगीत के शौकीन लोग भी बैठे हुए हैं, हंसने के मूड में हो फिर से बजा तो ऊपर हाथ करके, वो ही अपना तो गया, हाँ बज गई है। कलेक्टर साहब चले गए क्या, हमारे माननीय जुदेव जी बैठे हुए हैं। मैं एक बात बड़े मंच से एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मित्रों, मुझे पहला एक बड़ा मंच जो दिया था, मैं इस बड़े मंच से इनके होम टाउन में इनके समक्ष स्वीकार कर रहा हूँ कि वो देने वाले जुदेव जी ही थे, आपके दिलीप सिंह जी थे। उसके बाद तो मैं अमेरिका, सिंगापुर, कई भारत की सीमाओं के पार भी कई जगह बड़े शो करके आया हूँ, पर पहला मेरा बड़ा मंच जो था मुझे इन्होंने दिया था। मैं माननीय जुदेव जी को प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मंच दिया, उसकी बदौलत आज मैं पूरे देश भर में ही नहीं संसार के कई देशों में आगे जाने का भी मेरा प्लान है। ये तो रही दूसरी बिजनेस की बात, अब अपन हंसने का काम फिर से चालू करते हैं। भाई साहब ने बहुत बढ़िया गाने सुने, ये जा क्यों रहे हो, निकल रहे हो? हाँ अच्छा, और भी अगली टीम है क्या? और भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, हमारे मैडम थी वो भी बढ़िया थी, संचालक भाई साहब थे वो भी बढ़िया थे, सब लोग बढ़िया थे। पिछले दिनों की बात, एक परीक्षा थी, हम तीनों को लाइन में लगा गया, वो मैडम कहाँ चले गए, निकल गए क्या? पिछले दिनों की बात है नहीं सही के ना, पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, उसमें एक साथ तो मेरे ये मित्र थे, अभी वो जो वो इससे थोड़ा माइक से इससे तार से जो अटक गए थे, ये बैठे हुए जो भाई साहब तिलक विलक लगा रखा है बहुत बढ़िया, इन्होंने गाने वाने तबला अच्छा बजा रहा था, इनका अच्छा बज रहा था। और मेरे को तो जुदेव जी ने बताया था पहले ही, बोले ये जसपुर के लोग हैं, इनको ज्यादा ताली वाली के लिए मत कहना, ये ताली बजाते बजाते कई बार लठ भी बजा देते, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। पिछले दिन एक लंबी बड़ी परीक्षा में बड़ा इनाम मिलने वाला था, तो हमें क्या हुआ कि हम तीन लोग थे, एक तो मैं था, एक ही हमारे वो सिंगर बड़े बाल वाले, एक मैडम, हम तीनों को लाइन में लगाया, मेरे सबसे पहले मेरा नंबर आया, मेरे से उसने कहा परीक्षार्थी ने, बोले बताओ एप्पल की स्पेलिंग, बोला भैया को एक बार उधर बोला ना, बाल लंबे बाल वाले भैया, हाँ इधर आओ दो, हाँ बहुत बढ़िया काम किया, इनके सम्मान में बजाओ यार, अच्छा गा रहे। हालांकि गाने वाने की बात करें तो गाने का सिस्टम अलग हो गया, बॉम्बे में बैठे फिल्मकार लिख देते हैं गाने वाने, उनको पता नहीं रहता कि गांव में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, गांव की संस्कृति पे गीत लिख देते हैं। एक गाना आप लोगों ने पहले टाइम वो बहुत टाइम पहले सुना होगा, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी ने नाच कूद के अपनी बीपी हाई कर ली, बंबई से गई, पूना पूना से गई, पटना फिर भी नहीं मिला सजना, तू जसपुर में आई थी क्या, कितने सजना बैठे हुए हैं, तेरा काम यही हो जाता। ये गाने चोरा चोरी चने के खेत में, चोरा चोरी चने के खेत में, और मूर्खों को ये मालूम नहीं कि चने का झाड़ डेढ़ फुट का, चोरा चोरी कैसे हो सकती है, ये गाने लिखते थे, कोई मतलब नहीं है, बॉम्बे में बैठे लिख रहे हैं, छत पे सोए तो नंदई में थाने समझ के सो गई, गलती मारे से हो गई, राणा जी माफ करना। भाई जब तेरे को पता था कि पिलंग नीचे है अपना, तो तू छत पे गई क्यों, राणा जी कब तक माफ करेगा, कल को तू तो कुछ और करके आ जाएगी, ये सिस्टम हो गया, ये गानों का सिस्टम है, ऐसे ऐसे गाने आ रहे पता नहीं चल रहा कुछ भी। वो भाई साहब वो चला गया, हम लोगों को तीनों को लाइन में लगाया, मेरा नंबर आया सबसे पहले, मेरे से पूछा बोले बताओ एप्पल की स्पेलिंग, मैंने कहा APPL, एप्पल यानी सेव, तो परीक्षार्थी ने कहा जाओ पास। उसके बाद आया अपने मैडम का नंबर जो गा रही थी, उनसे पूछा बोले बताओ बुक की स्पेलिंग, बोले BOOK बुक यानी किताब, तो परीक्षार्थी ने कहा बोले जाओ पास। फिर आया अपने इस लंबे बाल वाले भाई का नंबर, इससे पूछा बोले बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्पेलिंग, तो इसने कहा इतना इंची इनसे पूछ रहे हो, इतना टेढ़ा तो मेरे पापा के पापा को भी नहीं आता, कोई सीधा प्रश्न करो। तो फिर से हम तीनों को लाइन में लगाया, वो उधर लाइन में लगे हुए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कहां चले गए, उधर लाइन में लगे हुए हैं, और ये मैडम साहब ये जा ही रहे हैं, वो देखो ये आगे से लाइन में लग के इधर से होके जा रहे हैं। हम लोगों को फिर से लाइन में लगाया, सबसे पहले मेरा नंबर आया, मजा लेना बात के, ये दोनों भाई लोग खड़े हुए हैं, सबसे पहले मेरा नंबर आया, बोले बताओ भारत की क्रांति कब हुई थी, मैंने कहा सर 1857 में, बोले जाओ पास।
उसके बाद आया मैडम का नंबर, बोले बताओ उसमें कितने लोग मरे। मैडम ने कहा पूरे के पूरे 3 लाख। फिर आया अपने लंबे बाल वाले भाई का नंबर, बोले बताओ मरने वालों के नाम क्या थे। ये स्थितियां हैं, खुद तो जा रहे हैं, खुद तो का अलग टाइप का सिस्टम हो गया है। नहीं सही कह रहा हूं, मेट्रो सिटी में कुत्ते उस जगह तक पहुंचते जहां आदमी तक नहीं पहुंच सकता। कुत्तों का सिस्टम इतना अलग हो गया। जबरे कुत्ते आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े लंबे बाल वाले कुत्ते, अलग अलग कुत्ते। पर एक बात सही कह रहा हूं कि आजकल के कुत्तों में कुत्ता बना बिल्कुल नहीं था, ऐसे ऐसे कुत्ते हो गए। मैं परसों की बात है, इंदौर के कार्यक्रम में खड़ा था बस स्टॉप पे, तो एक आदमी को कुत्ते ने काट लिया। तो वो आदमी 5 रुपए में एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा और कुत्ते को खिला रहा। मैंने कहा भाई साहब यार आपको इस कुत्ते ने काट लिया और आप बिस्कुट खिला रहे। बोले नहीं नहीं मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसका मुंह किधर है, फिर लात लगाऊंगा। ये कुत्ते हो गए आजकल, ये सिस्टम चेंज हो गया है। बच्चे भी इधर दूर खड़े थे, बच्चा खड़ा है, वो काफी देर से खड़ा है, प्रणाम करना चाहता हूँ। बच्चे देश का भविष्य है और इधर देश का भविष्य इधर दिख नहीं रहे हैं, ये देश का भविष्य खाली यही है। बच्चों को विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ। एक बात सही बता रहा हूँ, माननीय दिलीप सिंह जी बैठे हुए हैं, सर एक बात सही कह रहा हूँ कि बच्चे तो पहले होते थे, 2000 के बाद में तो बाप ही पैदा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। सही बता रहा हूँ, है नहीं सही कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रश्न कर लेते हैं बच्चे जो आप उत्तर नहीं दे सकते। हमारे सीईओ साहब, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है सीईओ साहब से, मैं मिलते रहते हैं श्याम जी मेरे को, इनके घर पे चला गया पिछले दिनों की बात है, कार्यक्रम में था मैं रायपुर में, रायगढ़ में है ये कार्यक्रम में था, इनके घर पे चला गया तो इनका लड़का 10 साल का 8वीं क्लास 6वीं क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा यार बेटे कौन सी क्लास में पढ़ता, बोले अंकल 6वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, बोले पूछो। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पिताजी को 5% ब्याज की दर से 40,000 रुपए 6 महीने के लिए दूं तो वापिस कितने देंगे, बोले 1 पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, गणित नहीं जानते क्या, बोले मैं तो गणित जानता हूँ, आप मेरे पापा को नहीं जानते। ये बच्चे है नहीं सही कह रहा हूँ, आप तो है कर रहे हो बच्चों का सिस्टम। मेरे को पिछले दिनों कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने कहा सर्विस का जुगाड़ जरूरी है। माननीय जुदेव जी ने मेरे को एक हॉस्टल में नौकरी दिलाई, हॉस्टल में नौकरी दिलाई तो वहां बच्चों के खाने पीने का सिस्टम देखता था। वहां बच्चों एक दिन चेकिंग आ गई, बोले खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, सब्जी ढंग की नहीं बनाते। तब से मैं क्या करता हूँ, बच्चों को पैसे दे देता हूँ, कभी 10 रुपए देता हूँ, कभी वो आलू लेके आ जाते हैं, कभी 20 रुपए देता हूँ गोभी ले आते हैं, कभी 50 रुपए देता हूँ वो अलग प्याज टमाटर लेके आ जाते हैं। एक दिन की बात है, खुले नहीं थे, 500 रुपए दिए, पट्टा मुर्गा लेके आ गया। ये देश के बच्चे, ये बच्चों का सिस्टम अलग हो गया। आपके जसपुर के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट है कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे। अभी आपके इधर चौराहे से निकल के आ रहा था तो एक लड़का तेजी से साइकिल लेके जा रहा, नीचे गिर पड़ा। अच्छा जैसे ही मैं उसके पास गया, उसको छूने की कोशिश की तो बोला रहने दे, ये अपने उतरने का स्टाइल। ये बच्चे है क्या, सही बता रहा हूँ आपको, तो विश्वास नहीं हो रहा। मिठाई की दुकान पर एक बच्चा खड़ा, कभी लड्डू को टच कर रहा, कभी जलेबी को टच कर रहा, तो 5 मिनट बाद दुकान वाले ने कहा, बोले इतनी देर से कुछ नहीं ले रहा, क्या देख रहा है। तो लड़के ने कहा स्टाइल मारते हुए, अंकल कुछ नहीं बस मौका देख रहा। पिछले दिनों की बात है, ये शिक्षण व्यवस्था है। हमारे राकेश जी हैं जो हमारे राजेश जी है, ये उसमें लगे हुए हैं राजीव गांधी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में। इन्होंने कहा मैं शिक्षा प्रणाली में लगा हुआ हूँ, और मैंने कहा भाई साहब शिक्षा प्रणाली आजकल बहुत चेंज हो गई है। मैंने कहा पिछले दिनों की बात है, एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आने वाला था, प्राइमरी स्कूल में एक इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आने वाला था। इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आया, स्टाइल नहीं है। इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आया वो 4थी क्लास में गया। शिक्षण व्यवस्था देखना आप, देश की शिक्षण व्यवस्था क्या चल रही है, अपन क्या करें। 4थी क्लास में गया वो इंस्पेक्टर, जाके एक बच्चे से पूछ लिया, बोले बेटा तुम्हारा क्या नाम है। अच्छा, बोलो तुम्हारे हिंदी की जो किताब है उसमें मास्टर जी ने कितने पार्ट पढ़ा दी। बच्चा रोने लगे, वो है ना
मैं तो बाहर का हूँ, वो राहुल है ना वो बीमार है, मैं तो उसकी जगह आया हूँ, मेरा नाम करतार है। इंस्पेक्टर ने उसके अध्यापक को कहा, बोले तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लास में कोई दूसरा बच्चा आकर के बैठा हुआ और तुम्हें पता तक नहीं है। तो इंस्पेक्टर ने अध्यापक से कहा, बोले तुम्हारी क्लास में कोई दूसरा बच्चा आ गया और तुम्हें पता तक नहीं है। तो अध्यापक ने कहा, बोले सर देखो बात ऐसी है कि भाई मैं तो खुद बाहर का ही हूँ, और हमारे जो मास्टर जी है उनके क्या है कि वो आज उनकी वो ननन की जेठानी के देवर का ऑपरेशन है, जो वो वहां गए हुए हैं, मैं तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए आया हुआ। इंस्पेक्टर माइंड खराब, इंस्पेक्टर का हो तो यार ये क्या व्यवस्था लगा रखी है। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा जुदेव जी, और वहां जाके कहा, बोले ये क्या व्यवस्था कर रखी है, तुम्हारी स्कूल में बच्चा पता नहीं कौन बच्चा आ गया, अध्यापक का पता नहीं, दूसरा है वो। तो उसने कहा, हेडमास्टर जो प्रिंसिपल था उसने कहा, बोले साहब ऐसी बात है कि जो प्रिंसिपल साहब थे उनकी आज कोर्ट में तारीख है, वो वहां गए हुए हैं, मैं तो पास ही की किराने की दुकान में रहता हूँ, मेरे वो दोस्त हैं, इसलिए मुझे ये आना पड़ा और उनका फर्ज चुकाना पड़ा। तो इंस्पेक्टर ने जाते जाते एक बात कही, बोले शर्म नहीं आती तुम्हें, बच्चा नकली, अध्यापक नकली, यहां तक कि प्रिंसिपल भी नकली, नालायकों, आज अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो क्या हो? ये शिक्षण व्यवस्था हो गई है हमारी। मैं तो खुद क्या है कि परीक्षा में शुरू से अलग रहा हूं, कॉन्फिडेंस का आगे दिला हूं शुरू से। वो कलेक्टर साहब चले गए क्या? कलेक्टर साहब चले गए? हाँ वो चले गए कलेक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है क्या, वो पेमेंट वाला मामला वही है। ये सिस्टम है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे श्रोता कहीं नहीं देखे। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं लंबी दूरी तय करके आप लोगों के बीच आया था, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। मैं महानगरों के बड़े प्रोग्राम में बड़े पेमेंट मिलते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन बड़े पेमेंट में वहां बड़े हॉल में वो धन सुनता है, यहाँ पर आप लोगों का मन सुन रहा है, ये एक उपलब्धि होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, माननीय जुदेव जी को, सीईओ साहब को कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, और प्रणाम करना जरूरी है क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। मैं परीक्षाओं की बात बता रहा हूँ, परीक्षाओं में तो खुद देखो जुदेव जी, आप तो जानते हो, बीकानेर आते रहते हैं, हमारे दिलीप सिंह जी बीकानेर आते रहते हैं, इनका रिश्तेदारी है, अपने ननिहाल है बीकानेर में, और हमारे देशनोक जो भव्य है, हमारी विरासत है, कर्णी मंदिर देशनोक देश में बड़ा नाम है, ये आते रहते हैं वहां पर। मैं तो क्या कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, मैं परीक्षाओं की बात बता रहा हूं। मैं जब आठवीं क्लास में सीओ साहब बैठे हुए हैं अभी है क्या, जही जरूरी है, पीछे इधर भी लोग हैं कर रहे, वो पेमेंट वाला मामला तो वही है ना अभी तक। अब एक बार इनके सम्मान में भी बजा दो, ताली वाली बजा दो, हाँ बराबर बन के आप फुल कॉमेडी करके जाऊंगा, फुल हंसूंगा। अब मैटर अभी चालू हो रहा है, हंसने का मैटर तो इतनी देर तो अलग ही चल रहा था, इतनी देर तो आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा सीरियल आए उससे पहले 8-10 विज्ञापन झेलने पड़ते हैं, वो विज्ञापन का दौर चल रहा था, अब सीरियल अब है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि मैं जब आठवीं क्लास में 4 बार फेल हो गया तो मेरे प्रधान अध्यापक मुझे ससम्मान घर तक छोड़ने आए, बोले देवता अब हम पे दया करो। है नहीं, सही बता रहा हूं, मैं उनके ऊपर दया करके ससम्मान अपने घर पे आया। मैं शुरू से पढ़ाई में अलग रहा हूं, इंग्लिश में, इंग्लिश के अध्यापक ने कहा, बोले यार तुम 8-7 से इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश का टेस्ट अगर फेल नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, हो जाऊंगा। है क्या इसमें है, ये छत्तीसगढ़ के आदमी है, अभी पीछे से एक आदमी है हमारे, वो पाठक जी आए, वो मेरे मित्र है, उसने मेरे को, उन्होंने मेरे को एक बात बताई, पाठक जी ने बोले ये बात जरूर बोलना। मैंने कहा कौन सी वाली, बोले एक ये ऐसा है कि ये जसपुर है, जसपुर का मौसम और जसपुर की लड़की कब बदल जाती पता नहीं रहता। पाठक जी का, पाठक जी मैंने बोल दिया है। इनका मेरी बात नहीं थी, उनसे सलट लेना अगर बुरा लगा। इंग्लिश के अध्यापक ने कहा, बोले ये क्या तुम 8 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम्हारा टेस्ट है। मैंने कहा ले आओ,
जो सामने आदमी खड़ा हुआ है उसको बुलाओ। जुदेव जी अपन ने उसी टाइम बोल दिया कम ही है, आ गया पास में। अब बोले इसको वापिस भेजो। अब वापिस भेजने की इंग्लिश अपने को आई नहीं, अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम ही है। ये सिस्टम है, ये परीक्षाएं हुई मेरी, अलग अलग टाइप की परीक्षाएं हुई। वो संस्कृत की परीक्षा, संस्कृत के परीक्षार्थी ने सवाल किया, बोले एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं। और जुदेव जी हंस रहे, इससे साबित होता है कि जुदेव जी भी मेरी तरह कॉन्फिडेंस के ही आदमी है। मैंने कहा कर दूंगा। बोले श्लोक बताओ। मैंने कहा श्लोक बताओ। बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबने ये श्लोक सुना है, सबने सुना है अपने बचपन के दिनों में, संस्कृत में सबने सुना होगा। मेरे से परीक्षार्थी ने कहा, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं। मैंने लिखा, मैंने कहा इसमें सर पहली लाइन क्या है, सर्वे सर्वे यानी सर्वे। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, और ये सर्वे संतु और निरामया ने मिलके किया था। सर्वे भद्राणी पश्यंतु, सर्वे तो भद्राणी और पश्यंतु का भी हुआ था। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, पर उनकी मां क्या करती जब उनके भाग्य में सुख नहीं था। वो दूसरा सवाल। बोले एक का और करो। मैंने कहा जल्दी जल्दी पूछ लो, सारे कर दूंगा। बोले तमसोर मां ज्योति का। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। बोले एक का और करो। बोले नारियस्य चरित्रम पुरुष्य भाग्यम। सिंपल सी बात है, नारी के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। बोले क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं तो सारे खेल कर जानता हूं, पहले ही बता दिया। वो बीजगणित का क्वेश्चन आया, बीजगणित के अध्यापक ने प्रश्न किया। बोले एक खेत को पांच आदमी आठ दिन में जोतते हैं तो बारह आदमी उसको कितने दिन में जोतेंगे। तो मैंने उत्तर लिखा, मैंने लिखा कि जब एक बार जुत ही गया तो बार बार जोतने की जरूरत क्या है, ये सिस्टम है। बोले ये क्या कर रहा। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। बोले एक दूसरा विज्ञान का, सीओ साहब विज्ञान का प्रश्न है। बोले पानी को हम पीते क्यों हैं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उसको खा नहीं सकते। वो दूसरा आपने अलग क्वेश्चन, एक बीजगणित का अलग और देखा होगा आपने। बोले एक मेज पर एक आदमी ऊपर है, दो नीचे है, टोटल कितने हुए। मैंने कहा एक बटा दो, एक ऊपर दो नीचे। उसका दिमाग खराब हो गया परीक्षार्थी का। बोले ऐसे ऐसे पास हो रहे हो यार, ये कोई बात होती है क्या। मैंने कहा और भी तो क्या होती है, मैंने सही सही बात उत्तर दिए हैं सभी बातों के आपको। बोले ऐसा है कि तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा जुदेव जी, बोले इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो मेरे को तुम ऐसा प्रश्न पूछ के बता दो जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं हो। मैंने कहा सर पूछ लूंगा। बोले पूछो जिसका कोई उत्तर नहीं हो। मैंने कहा मैं दावा करता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर हाँ या ना मैं नहीं दे सकते। बोले पूछो। मैंने कहा ये रहा प्रश्न। मैंने कहा गुरु जी क्या आपने इन दिनों अपनी धर्म पत्नी के पैर दबाने छोड़ दिए हैं। अब इसका हां में कह रहे तो इसका मतलब पहले दबा लो ना, में खाली बजाओ ताली बजाओ। ये सिस्टम है। वो परीक्षार्थी का दिमाग खराब। बोले यार ये क्या लगा रखा है। मैंने कहा ये सिस्टम है। बोले इस बार तो तुम्हें फेल करके ही मानूंगा। मैंने कहा कर लो। मैंने कहा नहीं कर पाओगे, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, नहीं कर पाओगे। बोले कर दूंगा। मैंने कहा करके देख लो। इस बार जुदेव जी बड़ा सा पिंजरा लेके आए हो, उसमें छोटे मोटे पक्षी, ढेर सारे पक्षी उसमें, और मेरे से पूछा। बोला बता रविंद्र जानी इसमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं।
अब उसमें कैसे बताया, छोटे छोटे पक्षी आदमी और औरत हो तो अपन बता भी दे कि इतने आदमी इतने औरत है, इसमें कैसे बताए। पर अपन ने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैंने कहा एक काम करो, 2 किलो गेहूं के दाने मंगवाओ, मंगवा दिए। 1/2 किलो मक्के के दाने मंगवाओ, मंगवा दिए। मैंने वो दाने बिखेर दिए, पिंजरे के गेट को खोल दिया, पक्षी दाना चुगने लगते। मैंने अपने अध्यापक को कहा, मैंने कहा सर क्या देख रहे हो? बोले वही जो तुम देख रहे हो। मैंने कहा पक्षी दाना चुग रहे? हाँ दाना चुग रहे हैं। मैंने कहा सर अब यहीं से मेरा प्रश्न का उत्तर शुरू होता है। बोले बताओ। मैंने कहा सर जो पक्षी यहां पर दाना चुग रहे हैं वो नर है, और जो दाना चुग रही है वो मादा है। सर आप अब ये बताओ कि कौन चुग रहा है और कौन चुग रही है, ऊपर हाथ के बजाओ। ये सिस्टम हो गया है। मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी रहा हूं, से मैंने बताई दिया आपको। मैं ऐसी कोई बात करता ही नहीं जिससे दिमाग पर लोड पड़े। प्रेम प्यार की युवा मित्र बैठे हुए, अभी प्रेम प्यार की फरमाइश आ रही थी। प्रेम प्यार की बात क्या करें यार, सिस्टम आजकल इतना चेंज हो गया। वैलेंटाइन डे वाले दिन एक लड़की चलेगी ग्रीटिंग शॉप पे और जाके दुकान वाले से पूछ लिया, बोले भैया तुम्हारे पास ऐसा ग्रीटिंग है जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? तो दुकान वाले ने कहा हाँ है मैडम। बोले फिर 8 दे दो। ये प्यार है, ये प्यार का सिस्टम हो गया है। प्यार शब्द वेदों का सार है, प्यार बरसते हुए अमृत की बुहार है। वर्तमान में प्यार शब्द के अलग तराने हो गए, लैला मजनू के किस्से पुराने हो गए, क्योंकि आजकल हम लोग वासना के दीवाने हो गए। वर्तमान में प्यार शब्द अश्लीलता के दरिये में बह गया है। सच पूछो तो दोस्तों, सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में रह गया है। सच पूछो तो दोस्तों, ये प्यार हो गया। प्यार के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिस्टम अलग हो गया। आजकल शहरों का सिस्टम अलग चल रहा है। रांची में उतर के एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बैठा हुआ पब्लिक पार्क में। वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलगा, बोले एक शाम तुम्हारी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूं। बोले एक शाम तुम्हारी जुल्फों की छांव तले सुस्ताना चाहता हूं। 5 बार कहा उसने तो प्रेमिका ने भीग उतार के दे दी। बोले ले जा सुस्ता, वापिस लौटा देना, मेरी नहीं मेरी मम्मी की है। एक दूसरा प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बैठा हुआ, वो अपनी प्रेमिका को 1/2 घंटे से बोल रहा, मैं तुझे क्या कहूं। 1/2 घंटे से लगा हुआ, मैं तुझे क्या कहूं। वो प्रेमिका परेशान हो गई, बोली अब कुछ नहीं, बस मुझको मार कहते हैं। ये सिस्टम हो गया प्रेम प्यार का। मैं तो कॉलेज के दिनों की बात बता रहा हूं, जब मैं कॉलेज में जाता था तो वो लड़कियां देख के हंसती थी मेरे को, तो मैं समझ रहा था कि अपनी लाइन लग रही है। हैं नहीं सही कह रहा हूं, इसमें है लाइन लग रही है। मैंने कहा दिखे लाइन लग रही दिखे। 8-10 दिन के बाद में जब पता चला मेरे को, तब वो लड़की ने दूर कोने में जाके कहा, बोले देख सूखा सड़ता जा रहा है। तो मैंने उसी टाइम जोर से बोल दिया, मैंने कहा ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे, कोई दिल पलट कर तो देखो, सूखे सांठे में भी रस मीठा होता है, एक बार चख कर तो देखो। ये सिस्टम हो गया है प्रेम प्यार का। प्रेम प्यार के बारे में कौन क्या बात करे यार। ये माताएं बहने बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इनका बहुत अलग टाइप का गेम है। मैं इधर आ रहा था, महिलाओं की आदत एक बात बता रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, सब लोग दिल से सुन रहे हैं, मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रियली। मैं लंबी थकान से आया हूँ, पर मैं बहुत फ्रेश अनुभव कर रहा हूँ। कल मैं किसी बड़े कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए बोलूंगा, और हो सकता है आगे कार्यक्रम में आप लोगों को अच्छे श्रोता हैं तो आपको निर्यात भी करेंगा। कंस निकल गया। निर्यात करना पड़ता है, अच्छे श्रोता उनको बाहर निर्यात भी किया जाता है। ये सरकार की स्कीम है, ये सिस्टम है। प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, पर वो प्रेम प्यार का माइंड से निकल गया। क्या बता रहा था यार, महिलाएं, सॉरी हाँ ये महिलाएं हाथ से निकल गई। सारे लोग दिल से सुन रहे हैं। अच्छा एक बात सिद्ध हो रही है, अभी ये देश भर में चल रही है कि बोले महिलाएं महान है, पुरुषों से ज्यादा महान है। कैसे हो सकता है ये सब, अपन पुरुष लोग महान है, हालांकि घर के बाहर है। हाँ महान तो है ही ना। मैं सिद्ध करके बता सकता हूं कि पुरुष महान है, महिलाएं महान नहीं है। आज कह रहे हैं कि देश की प्रथम जो है वही महिला के हाथ में है सारा सिस्टम।
और तो सब रोबोट है। मैंने कहा यार कैसे हो सकता, मैं बताता हूं कि पुरुष महान है, शुरू से ही महान रहे हैं और हम महान रहेंगे, और महिलाओं से ज्यादा महान होते हैं, मैं तय करके बता रहा हूं, सब लोगों को मजा आएगा। मान लीजिए आप लोग बस में बैठे हो, बस में बैठ के आप रांची जा रहे हो, बस में बैठ के आप रांची जा रहे हो और बस में आप बैठे हो, पास में कोई महिला बैठी हुई है, उसके आप थोड़े से टच हो गए तो वो क्या कहेगी, ये ढंग से बैठ, बैठना नहीं आता क्या, 2-5 में 5 मिनट देगी, 2-5 मिनट, ये तो रही महिलाओं की महानता। अब इसको चेंज करके देखो, आप जा रहे हैं रायगढ़ जा रहे हैं, बस में कोई महिला पास आके बैठ जाए, नींद तो आती नहीं, अलग की नींद आ जाए और कंधा यहां पर रख दे, तो मैं दावा करता हूं जिसको रायगढ़ उतरना होगा वो रायपुर तक नहीं हिलेगा। ये पुरुषों की मानता है, तब कैसे मान लेगी महिलाएं महान है। एक बात बता रहा हूं, मेन कोर्ट का बटन टूट गया। महिलाओं की एक आदत होती है, कोई भी काम करती रहती है तो साथ में बोलती रहती है। अच्छा, ये इनकी 4 विशेषताएं होती है, झगड़ना, झगड़े में हार जाए तो रोना, रो के हार जाए तो सोना, और सो के हार जाए तो उठना, और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। ये सिस्टम है। अभी सही बात बता रहा हूं, एक सरकारी नल पर 3 महिलाएं खड़ी पानी भर रही, पहली वाली को क्या सोचा कि पता नहीं, उसने दूसरी वाली को कहा, बोले अगर मेरे बस में हो तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूं। कोई बात नहीं थी। दूसरी वाली ने कहा, बोले अगर मेरे बस में हो तो तेरी इस जाती हुई भिखारी से शादी करवा दूं। एक भिखारी उधर से निकल रहा था, 5-7 मिनट तक इनकी बात चल ही रही थी कि उस भिखारी ने पूछ लिया, बोले मैडम फिर आपने क्या फाइनल करा, मैं रुकूं चलूं। तीसरी वाली का चुप रहने वाली थी, बीच में ही बोल पड़ी, बोले बहन तुमने कहा था कि 64 दांत तोड़ दूंगी, दांत तो 32 ही होते हैं। तो उसने कहा, बोले मेरे को पता था तू बीच में बोलेगी, इसलिए तेरे एडवांस में जोड़ लिए थे। ये महिला कोई भी काम करती रहती साथ में बोलती रहती है। अभी मैं इधर आ रहा तो मेरे कोर्ट का बटन टूट गया, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा चलिए कोर्ट का बटन लगा दे, मेरे को वहां जसपुर में कार्यक्रम करने के लिए जाना है। तो बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनता ही कौन। ये महिलाओं का संकट है। खाली नहीं बजा रहा, खाली हंस रहा हुआ, खाली बजा रहा इससे लगे ना है इधर क्या, अब लोगों को अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बरोबर बना रहता है। देशभक्ति की बात अपन करेंगे, देशभक्ति देखो पाकिस्तान की बात है, सिर्फ बात करने में मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान की बातें करते हैं आपने मंच से लोगों को देखा होगा, मैं कोई बात नहीं करता, पाकिस्तान आतंकवाद इनकी कोई बात नहीं करता। जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो अपन ने इसका इलाज अपने घर पे कर रखा है, अपने अपने इधर मोहल्ले में कुत्ता है उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। जब भी पाकिस्तान सीमा रेखा पर उधर कुछ गड़बड़ी करता है, आतंकवाद फैलाता है, 2 लाख उस कुत्ते को लगाता है, वो कौन उधर पाकिस्तान सलट जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर एक कुतिया ने 5 पिल्लों को जन्म दिया। अच्छा, कुतिया के पिल्ले इतने विचित्र थे कि जन्म लेते ही चिल्लाने लगे, बोले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने जब ये नजारा देखा तो कहा, बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जरदारी साहब को पता चलेगी तो वो तो इनाम देंगे। तो बात क्या हुआ कि 15 दिन बाद जरदारी के पास पहुंची गई, बोले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर एक कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया है जो अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद बता रहे हैं और हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बता रहे हैं। तो अगला आ गया सीमा रेखा पर, बोले मैं उन कुतिया के पिल्लों का दीदार करना चाहता हूं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से पूछा, कहां है कुतिया के पिल्ले, तो उस पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने कहा, सर वो रहे। अच्छा, जैसे ही कुतिया के पिल्लों ने जरदारी को देखा तो जोर से चिल्लाए, बोले साले जरदारी तेरा बाप मुर्दाबाद, तेरा खानदान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने जोर का सपोर्ट लगाया पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को और कहा कि साले तू क्या कह रहा था, ये हिंदुस्तान को मुर्दाबाद और पाकिस्तान को जिंदाबाद बता रहे, इन्होंने तो मेरी पूरी खानदान से ही फाइल निपटा दी। तो उस पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने जो जवाब दिया उस पर सब लोग मस्ती लेना,
जब जरदारी ने सपोर्ट लगाया गाल पे और कहा कि तू कह रहा था कि हिंदुस्तान को मुर्दाबाद और पाकिस्तान को जिंदाबाद बता रहा है, इन्होंने तो मेरी पूरी खानदान से ही फाइल सटा दी है, तो उस पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने कहा कि सर जब ये 15 दिन पहले हिंदुस्तान को मुर्दाबाद और पाकिस्तान को जिंदाबाद बता रहे थे तब इनकी आंखें बंद थी, आज 15 दिन बाद इनकी आंखें खुल गई है और आपकी औकात पता चल गई है। ये पाकिस्तान का सिस्टम है। वो कृष्ण कुमार जी बैठे हुए हैं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष, हाँ सर को प्रणाम करता हूँ सर, वो इधर वाले, हाँ कृष्ण कुमार जी, हाँ इनका रहना भी जरूरी है, अभी पीछे से न्यूज आई बोले पेमेंट वाला मामला इन्हीं के पास में, कलेक्टर साहब घर पे चले गए। ये सिस्टम है। माताएं बहने बैठी हुई है, इन दिनों पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, बड़े आंदोलन के बाद एक बड़ी बात इस मंच से बोलना चाहता हूँ, माताएं बहने बड़ी होती है नो डाउट, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए माँ, भगवान ने माँ बनने की शक्ति, माँ बनने का स्वभाव, सौभाग्य किसी को दिया है तो महिलाओं को दिया है। महिलाएं निश्चित रूप से महान है। पूरे देश भर में इन दिनों बेटियों को बचाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है, मैं हमारे माननीय जुदेव जी की फरमाइश है, ये एक कविता जो पिछले दिनों इन्होंने मुझे फोन पे सुनी थी, मैं इनको वो कविता समर्पित करना चाहता हूँ। मैं एक बात बड़े मन से बड़ी बात बोल रहा हूँ, तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, दिल से सुनिएगा। जिन लोगों के पास में अपने माँ बाप है, जिन लोगों के पास में अपने माँ बाप है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। दौलत से बड़ा नहीं होता आदमी, तब बड़ा होता है जिसके पास में उसके अपने माँ बाप है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। माँ क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए काम हुआ माँ एक मुहूर्त थी, पांव छुए काम हुआ माँ एक मुहूर्त थी, माँ वो होती है। मुझे एक वक्तांश याद आता है, एक विधवा माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जुदेव जी सुनिएगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें एक विधवा माँ अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, एक बेटा ऊपर के माले पे रहता था, दूसरा बेटा नीचे के माले पे रहता था। वो विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी, मगर विडंबना की बात ये थी, जब जब महीने 31 दिन के हुआ करते थे उस दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। जब जवान बेटों के रहते हुए माँ बोझ बन जाए तब माँ के सम्मान में कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप तमाम लोग एक बार ताली बजा के मुझे बताएं, दिल से जितने इधर के लोग भी बजाएं, ये कविता नहीं है, ये मेरी पूजा है, मैं फिर से आप लोगों को हंसाऊंगा पर एक सार्थक रचना में बताना चाहता हूँ। माँ, माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते। क्या, हाँ आप ही सुनिएगा भैया, मतलब इतना अंधेरा था कि ऐसे हुए। ये सिस्टम है, ये वो मैंने बताया ना राहु की शनि की स्थिति है, ये बीच में आ ही जाते हैं, ये आदत होती है आदमी की, वैसे इनकी इनका दोष नहीं है, आदत होती है। वो कंडक्टर की आदत देखो, शादी वाले दिन पत्नी के पास गया और जाके बोला है उधर खिसक एक सवारी और फंसे, वो पंडित फेरे करा रहा, वो लड़का जो बार बार आगे जाने की कोशिश करे, हिंदुओं में एक रिवाज है 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है, 3 फेरों में वो दूल्हा चलता है, जब दुल्हन आगे चल रही उस टाइम वो आगे जाने की कोशिश कर रहा, तो पंडित ने दूल्हे के पिता को कहा, बोले ये क्या कर रहा है तेरा लड़का, मैं इतनी देर से फेरे करा रहा हूँ, ये बार बार आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो दूल्हे के पिता ने कहा कि पंडित तू अपना काम कर, इसको अपना काम करने दे, ये ड्राइवर है, इसे और अटैक करने की आदत है, ये सिस्टम है, ये राहु की स्थिति है, हो ही जाती है। ये मतलब तो वो हो गया कि ऊंट के ऊपर जाओगे तब भी कुत्ता काट ही लेगा। ये कितनी अच्छी कविता का माहौल चल रहा था, ये लाफ्टर सुना हुआ नो डाउट में आप लोगों को सुनाऊंगा, पर एक अच्छी रचना भी मेरी स्थिति बन रही है, फिर से तमाम लोग बजाएं वो सारा ऊंट चला गया, अच्छी कविता सुना रहा था। माँ, माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते। 8-10 मिनट की यही नहीं, 8 पंक्तियां ही है, सुन लेना, अच्छे से सुनोगे तो अच्छी बात घर पे लेके जाओगे। माँ बाप का सम्मान करना, जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाओ कभी इतने लायक इतने भी बड़े मत बनना कि उनको छोटा समझने लगो, माँ बाप दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। माँ, माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते। माँ, माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते, पूरी उम्र लग जाए
माँ माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते, पूरी उम्र लग जाए उसके एहसानों को अपनी एक जुबा से बोल नहीं सकते। माँ 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 की दुआएं साथ हो तो बड़े से बड़ा तूफान हमको हरा नहीं सकता, मुश्किलों का पहाड़ हमको डरा नहीं सकता। माँ माँ लात खाकर भी बच्चे को दूध पिलाती है, माँ माँ लात खाकर भी बच्चे को दूध पिलाती है। और अगली एक पंक्ति में अगर लगे कि आठ पंक्तियों की कविता में मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, अगली पंक्ति में अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ा सत्य है, कहीं ना कहीं आप इस चीज को स्वीकार करते हैं, तो तमाम लोग फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाना। माँ माँ की ममता के मूल्यों को हम शब्दों में तोड़ नहीं सकते, पूरी उम्र लग जाए उसके एहसानों को अपनी जुबा से बोल नहीं सकते। माँ की दुआएं साथ हो तो बड़े से बड़ा तूफान हमको हरा नहीं सकता, मुश्किलों का पहाड़ हमको डरा नहीं सकता। माँ माँ लात खाकर भी बच्चे को दूध पिलाती है, और माँ ही वो माध्यम है जो हमें दुनिया से दिलाती है। माँ ही वो माध्यम है जो हमें दुनिया से मिलाती है। माँ माँ ही वो माध्यम है जो हमें दुनिया से मिलाती है। माँ वात्सल्य प्रेम त्याग करुणा बलिदान के रिश्तों से जड़ी होती है, इसीलिए माँ भगवान से भी बड़ी होती है, इसीलिए माँ भगवान से भी बड़ी होती है। मेरी इन दो चार लाइनों का महत्व जाके सब लोग सबको बताना, जिंदगी में कभी अपनी माँ को मत सताना, जिंदगी में कभी अपनी माँ को मत सताना। ये सिस्टम है आजकल, में ये एक आजकल का दौर तो अलग चल रहा है, अलग कार्यक्रम भी होगा क्या इसको खड़े हैं लोग, होगा अच्छा, हाँ करेंगे करें, हाँ करना है, वो कह रहे मैं आ रहा हूं इसके बाद, आ जाना कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम अलग हो गया है क्या इसमें भी है, बड़ा मस्त लोग है भाई साहब, ऐसे श्रोता तो मैंने रियली कहीं नहीं देखे, बड़ा मजा आया यहाँ आकर के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे प्रशासन को, बहुत मैं खुद मस्त हो गया हूँ, मैं खुद ऐसी ऐसी बातें सुन रहा हूँ जो मैंने आज दिन तक नहीं सुनाई। वो उनकी गली के चक्कर काटते काटते, उनके पीछे भागते भागते, उनकी गली के कुत्ते हमारे यार हो गए, वो तो हमको नहीं मिली, हम कुत्तों के सरदार हो गए। ये सिस्टम है, ये मतलब प्रेम प्यार का सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि इसके ऊपर कौन क्या बोले। वो दो आदमी क्या हुआ कि मरने के बाद ऊपर जाके मिले, बोले तू कैसे मरा, उसने कहा मैं आश्चर्य से मर गया, दूसरे से पूछा बोले तू कैसे, बोला मैं ठंड से मर गया। है क्या वो सही है इसमें है तो क्या, उसने कहा पहले वाले दूसरे वाले से, बोले यार तू आश्चर्य से कैसे मरा, तो उसने कहा बोले एक रात को मैं 12 बजे घर आया, घर के बाहर एक जोड़ी बूट मोजे खुले हुए देखे, मैं घर के अंदर गया, पत्नी को देखा, सब सारा सिस्टम देखा, छत पे देखा, बरामदे में देखा, बाथरूम देखा, सभी जगह देख लिया, तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि मैं मर गया। फिर उसने पूछा दूसरे वाले से, बोले यार तुम ठंड से कैसे मरे, तो उसने कहा बोले तुमने फ्रिज खोल के देखा था क्या, तू फ्रिज खोल के देख लेता तो ना तो तू आश्चर्य से मरता ना मैं ठंड से मरता। ये सिस्टम है, अलग टाइप का गेम हो गया। हाँ मनीष जी एसपी साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, हाँ मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, अगर एसपी साहब अगर यहाँ कहीं बैठे हुए हैं तो, और माफी भी चाहता हूँ कि अब तक आपका नाम नहीं लिया, और अब मैं ले रहा हूँ क्योंकि अपने को इधर से वो निकलने, पता है ना पुलिस का मामला है, अपने को निकलना भी है यहाँ से। एसपी साहब के सम्मान में भी ताली बजाओ, यहाँ बहुत बढ़िया पुलिस है, बहुत अच्छी पुलिस है। मैं तो अपन ने आज की रात में जितनी भी बातें करी है सारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में करी, जसपुर की पुलिस का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, मेरी तमाम बातों से जसपुर की पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। एसपी साहब मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कहा, अब ये करना जरूरी था वरना कल को कुछ अलग सिस्टम हो जाए। पर एक बात कहना चाहता हूं, पुलिस के नाम में स्त्रीलिंग छुपा हुआ है, पुलिस आती है पुलिस जाती है, चोर को गिरफ्तार करती है, डंडे बरसाती है, क्या कभी सुना पुलिस डंडा बरसाता है, पुलिस में टोपी देख लो स्त्रीलिंग, कोतवाली देख लो स्त्रीलिंग, नाम देख लो स्त्रीलिंग, इन सब के बीच में पुलिंग खाली थाना है, तो इतने सारे स्त्रीलिंग के बीच में पुलिंग कर भी क्या सकता है। पर एक बात कहना चाहता हूं,
जिस दिन छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे देश की पुलिस स्त्रीलिंग से पुलिंग हो जाएगी, उस दिन किसी दुबई में बैठे दाऊद की औकात नहीं जो बॉम्बे में आके बम विस्फोट करे। हमारे देश की विडंबना है। हाँ, ये सिस्टम अलग हो गया है। नाम लेना था यार, ये बेरिया है और कितने नाम रहे हैं। हाँ, नाम सारे हो गए हैं, और भी कोई रह गया तो बता देना, मैं ले लूंगा। नाम लेना जरूरी है यार, इन सब ने बोल रखा है। तीन देशों के प्रतिनिधि बात कर रहे, रूस का, जापान, अमेरिका का। सबसे पहले रूस वाले ने कहा कि हमारे रूस में मछलियां हवा में उड़ती है। अमेरिका वाले ने कहा कि हमारे देश में मगरमच्छ सड़कों पे दौड़ते हैं। जापानी ने कहा कि हमारे देश में उल्लू दिन में देखते हैं। बाद में हिंदुस्तानी का नंबर आया, उसने कहा कि हमारे देश में गधे सरकार चलाते हैं। ये अपना हिंदुस्तान है, यह कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, यहाँ का सिस्टम इतना अलग टाइप का है। वो फ्लाइट में बंदर और तोता साथ में घुसे हुए। वो तोता क्या कर रहा था कि बार बार बटन को दबा रहा था। बटन दबाते ही एयर होस्टेस आती, बोलती क्या हुआ, तो तोता कहता कुछ नहीं, मजे ले रहा हूं। है क्या सही? बार बार बटन दबा रहा, वो लड़की आ रही, बोले मजे ले रहा हूं। उसने जब ऐसा देख लिया तो बंदर ने देखा, बोले अरे तो बढ़िया कर रहा है, बार बार बटन दबा रहा है और वो लड़की आ रही है, पट्ठा कह रहा मजे ले रहा हूं। तो बंदर ने कहा, बोले इस बार मेरे को बटन दबाने दो। तोते ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम दबा लो। बंदर ने बटन दबाया, बटन दबाते ही वो एयर होस्टेस आई, बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं मैं भी मजे ले रहा हूं। बोले रुक जाओ अभी बताती हूँ मजे कैसे लिए जाते हैं। सुरक्षा गार्ड को बोल दिया, बोले अंदर एक बंदर और तोता फंसे हुए, उनको बाहर फेंको। अब जैसे ही उनको विमान के गेट के पास लाया गया, नीचे फेंकने वाले थे, उस टाइम तोते ने बंदर से पूछ लिया, बोले बंदर उड़ना आता है? बोले नहीं, तो फिर पट्टे मजे क्यों ले रहा था? ये कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है। अलग टाइप का सिस्टम हो गया, किसी को संपर्क नहीं पड़ता। हालांकि मेरे को खुद को भी नहीं पड़ रहा है अब तो, इतना लंबा हो गया। मेरी खुद की स्थिति भी उस बंदर जैसी हो गई है। एक घंटे का हो गया आज की रात, आपने नाम कर दिया। आप लोगों को मैं फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आज की ये यादगार रात आप लोगों को अगले साल तक यादगार रहेगी। आप लोगों को अच्छा लगा तो पूरे प्रशासन के सम्मान में ताली बजाओ। आप लोग दिल खोल के हंसे हो आज इस रात को, कुछ बातें भी आपको मिली है। और मेरी खुद की स्थिति बंदर जैसी हो रही है। वो जुदेव जी, एक बार क्या हुआ कि वो क्या हुआ, जंगल में रोज रोज शेर चुनाव जीत रहा था। जानवरों ने कहा, बोले यार किसी ढंगे को लड़ा यार, ये तो अपनी चलाता है हर वक्त। तो बोले ढंगे को किसको लड़ा है? बोले जो अच्छा हष्टपुष्ट हो। तो हष्टपुष्ट तो बोले बंदर को लड़ा दो। बंदर के पास गया, बोले तुम्हें शेर के सामने चुनाव लड़ना? बंदर का तुम्हारा दिमाग खराब है, सालो शेर के सामने मेरे को चुनाव लड़ा रहे? बोले नहीं नहीं, तुम लड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंदर का कोई दिक्कत नहीं है। फिर बंदर ने चुनाव लड़ लिया। अच्छा, चुनाव लड़ने के बाद में जानवर साथ थे तो बंदर चुनाव जीत गया। शेर की हालत खराब, शेर ने हार के गम में एक बकरी का बच्चा मुंह में दबाया और खुद जंगल में भाग गया। वो बकरी आई उस बंदर के पास में, बोले बंदर भाई तुमको राजा बनाया और वो हमारे बच्चे को लेके भाग गया है, शेर हार से बौखलाया हुआ, उसका कुछ इलाज करो। तो बंदर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी चलते हैं। बंदर गया जंगल में, बड़े से पेड़ पे चढ़ा, एक डाल, दूसरी डाल, तीसरी डाल, चौथी डाल, 5-7 मिनट तक इधर उधर होता रहा। जानवरों ने कहा, बोले बंदर तुम क्या कर रहे हो, शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर ने कहा चुपचाप अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो, बीच में टांग मत फंसाओ। वो फिर से एक डाल, चौथी डाल, 10 मिनट बाद शेर ने बकरी के बच्चे को खा लिया। तो जानवरों ने और उस बकरी ने कहा कि यार तुमको हमने राजा बनाया, शेर हमारे बच्चे को खा गया, तो इससे क्या मतलब निकला, मेरी स्थिति देखना। जब बकरी ने और जानवरों ने कहा, बोले हमने तुमको राजा बनाया और शेर हमारे बच्चे को खा गया, तो मतलब क्या निकला तुम्हें राजा बना के? तो बंदर ने कहा, बोले देखो बात ऐसी है, तुमने कहा चुनाव लड़ो, मैंने चुनाव लड़ा। आधी रात को मेरे घर पे आया और बोले बच्चे को बचाना है, मैं तुम्हारे साथ आया। अब शेर तुम्हारे बच्चे को खा गया, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरी उछल कूद में कमी हो तो बताओ। ये सिस्टम है,
प्रेम प्यार के मेरे युवा लोग, आपको भी आ जाओ यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, आ जाओ अगर आना है तो। छत्तीसगढ़ के लोग हैं, प्रणाम करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया काम है आपका भी, आप भी जम गए आज की रात पर, ताली वाली इनके सम्मान में भी बजाते हैं। मेरे को तो खुद को संपट नहीं पड़ रहा है, आजकल तो सिस्टम इतना अलग हो गया भाई, मुर्गी को कौवे से प्यार हो गया भाई साहब, है क्या हो सकता है? आप यहाँ अगर खड़े हो सकते हो तो फिर कौवे से प्यार क्यों नहीं हो सकता? मुर्गी को कौवे से प्यार हो गया, उसने कहा शादी इसी से करूंगी, तो मुर्गा आ गया उसके पास, मैं बोले ये क्या सुन रहा हूं, तुम इससे शादी करो, अदर कास्ट मैरिज, बोले तुमने ऐसा क्या देखा उसमें जो मुझ में नहीं है, मुझको देखो मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं, पूरी मुर्गा यूनियन का अध्यक्ष हूं, मैं जब बोलता हूं सुबह सुबह तो मेरी आवाज आसपास के शहरों में सुनाई देती है, इनके सम्मान में बजा दो एक बार, पंच पे बाद में बताना, बहुत बढ़िया। आपकी इस विशेष ऊर्जा को प्रणाम करना चाहता हूं, ये किधर से हंस रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोग हैं। उसने कहा बोले मैं पूरी मुर्गा यूनियन का अध्यक्ष हूं, जब सुबह सुबह बोलता हूं तो शहर के आसपास मेरी आवाज सुनाई देती है। तो उस मुर्गी ने कहा बोले वो सब ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग को तुम्हारे जज्बात को समझती हूं, पर मैं क्या करूं यार, मम्मी पापा का शुरू से सपना था लड़का एयरफोर्स में होना चाहिए, ये सिस्टम हो गया आजकल, मतलब कुछ भी हो सकता है, मुर्गी चलेगी दुकान वाले के पास में 3 रुपए छुट्टे लेके, बोले भैया एक अंडा देना, बोले यार तुम तो खुद दे सकती हो, तुम खरीद क्यों रही, बोले हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया, बोले 3 रुपए के लिए अपना फिगर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम हो गया है आजकल, पता नहीं चल रहा कहां से आकर कहां खड़े हो गए। मेरी एक 3 मिनट की कविता है जो मैंने अमेरिका के 12 स्टेट में सुनाई, बहुत बड़ी कविता है, 3 मिनट की कविता है, मैं दावा करता हूं अगर अंतर्मन से सुना तो जिंदगी भर आपको पंक्तियां याद रहेगी, एक कविता नहीं एक फिल्म।